ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड-येजेंट RMZX फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड-येजेंट का, और ग्रिग्नार्ड-येजेंट की रिएक्शन अपन कार्बोनिल कंपाउंड से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आ जाएगा और कीटोन भी आ जाएगा। आई मीन ग्रिग्नार्ड-येजेंट की रिएक्शन अपन एल्डिहाइड से भी करा के देखेंगे और कीटोन से भी करवा के देखेंगे। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर तो हमें बताना है ग्रिग्नार्ड-येजेंट कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करके एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है और उसको हाइड्रोलाइसिस करने से एल्कोहल देते हैं। क्या देते हैं? एल्कोहल। अब मैं भाई रिएक्शन इसको चेक करता हूँ, देखिएगा भाई रिएक्शन चेक कर रहा हूँ। ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन RMZX से करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल ग्रुप नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, हैलोजन फिर नेगेटिव चार्ज वाला होता है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवा रहा हूँ। ब्रोमीन जोड़ दूंगा तो ब्रोमाइड बन जाएगा, क्लोरीन जोड़ दूंगा तो क्लोराइड बन जाएगा, आयोडीन जोड़ दूंगा तो आयोडीन बन जाएगा। तो ये बन गया सी सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स, ये वाला प्रोडक्ट बन गया और इसका नाम हो जाएगा एडिशनल प्रोडक्ट। इस एडिशनल प्रोडक्ट को वापस मैंने सॉरी रीअरेंज किया तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया है। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये सिंगल चेन से जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। याद रखो डाउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लास्ट में रिलीज हो रहा है। आई मीन क्लियर हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड-येजेंट से करवाने से अपन क्या बना रहे हैं? 1 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में मैं देख रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड गिव प्राइमरी एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर RMZX से करवाता हूँ तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए भाई रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड है बच्चों, खोल के देखना चाहो देख लो C डबल बॉन्ड O और इधर भी है तो इधर भी है, ये वाला स्ट्रक्चर है ये फॉर्मेल्डिहाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMZX होता है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMZX से मैं करवा रहा हूं CH3CH2OMCBr, इट इज द एडिशनल प्रोडक्ट। वाटर की प्रेजेंटेशन में इसे मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये एल्कोहल बन गया। बना के नहीं बोल सकता हूँ एथेनॉल, और लास्ट में सारी मैग्नीशियम हाइड्रोमाइड लास्ट में रिलीज हो गया। अगले रिएक्शन क्या है? अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल प्रिपरेशन करेगा। अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल प्रिपरेशन करेगा। बनाकर देख रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है क्या? एक साइड है तो एक साइड बोलते क्यों नहीं हो? C डबल बॉन्ड O एक साइड H आ रहा है और एक साइड H अदर एल्डिहाइड है कि नहीं? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है RCHCH3OMCBr, क्या है? एडिशनल प्रोडक्ट। और एडिशनल प्रोडक्ट को वाटर प्रेजेंटेशन में जब मैं रीअरेंज कर रहा हूं तो ये बन गया OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ गया और इससे भी तो 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। सारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फ्री हो रहा है। लास्ट में तीसरी रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है अच्छे से समझना है इसको। कीटोन जब रिएक्शन करता है RMZX से तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। मैं बना के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इधर कीटोन है। कीटोन है या एसीटोन है स्टूडेंट? एसीटोन की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवा रहा हूँ तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। इसे वाटर की प्रेजेंटेशन में रीअरेंज कर रहा हूँ, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन तीनों साइड जुड़ गया 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, वही लास्ट में चार मैग्नीशियम एल्कोहल। आई मीन मैं कह सकता हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड या कीटोन से करवा करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाने जाने पॉसिबल है। क्लियर है? नोट किया? उतारो।